इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आ रही है, जहां सुरक्षा बल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बल ने एलईटी के कमांडर उजैर को ढेर कर दिया है। उजैर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। उजैर के साथ उसके एक और साथी को ढेर किया गया है। मौके से सुरक्षा बल को भारी तादाद में हथियार भी मिले हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि उजैर मारा गया है, 10 लाख का इनामी मारा गया है। दरअसल 2 से 3 आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। एलईटी का कमांडर है उजैर, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था, वो मारा गया है। उसके साथ ही उसका साथी भी ढेर हुआ है। मेरे सहयोगी रिफत इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जैसे बिल्कुल, पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि उजैर खान जो है एलईटी का कमांडर, वो मारा गया है इस ऑपरेशन में, क्योंकि पहले ही उजैर खान का नाम आया था सामने और पुलिस ने पहले ही कहा था कि एक उजैर खान और एक और मिलिटेंट इस ऑपरेशन में मुलव्वस है और उनकी तलाश लगातार जारी थी। अब कल जो एक बॉडी मिली थी, हालांकि चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था, जला हुआ था, लेकिन अब उसका डीएनए टेस्ट भी किया गया। अब पुलिस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो उजैर खान ही है और उजैर खान की बॉडी रिकवर की गई। और एडीजी जो है कश्मीर के विजय कुमार ने बताया कि और कुछ बॉडी हो सकती है जिसको वहां पे देखा गया है, यानी एक और मिलिटेंट हो सकता है, लेकिन उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। तीसरे मिलिटेंट की तलाश भी जारी है और विजय कुमार ने कहा कि ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा और लोगों से भी कहा गया कि वो ऑपरेशन साइट के नजदीक ना जाएं, क्योंकि वहां पे काफी सारा सामान हो सकता है जो एक्सप्लोड ना हुआ हो, उसमें ग्रेनेड्स या रॉकेट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे में लोगों से कहा गया है कि वो एनकाउंटर साइट के नजदीक ना जाएं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि उजैर खान के मारे जाने की अब पुलिस ने पुष्टि की है। उजैर खान पे 10 लाख रुपए का इनाम था और पिछले साल ही वो मिलिटेंट संगठन में शामिल हुआ था। जुलाई के महीने में, जुलाई 2002 से वो एक्टिव था, 2022 से वो एक्टिव था और वो वहाँ ही कुकरनाग इलाके का रहने वाला था, यानी जहाँ पे ऑपरेशन हुआ। कामयाबी है, एलईटी का कमांडर उजैर खान मारा गया है, 10 लाख रुपए का उस पर इनाम था, उसका साथी भी ढेर हुआ है। हालांकि अभी पुष्टि होगी, लेकिन 2 आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और जिस इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा था, सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील वो इलाका है और मौके से सुरक्षा बल को भारी तादाद में हथियार भी मिले हैं। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है, बहुत सारे ब्लाइंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे और आवाम से अभी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड से ग्रेनेड की संभावना है वहाँ पर है। टोटल हम लोगों के 203 का खबर था, हो सकता है तीसरा डेड बॉडी भी कहीं मिले, इसलिए सर्च पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सर्च पूरा करें, कंप्लीट करेंगे। अभी तक उजैर खान एलईटी कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्री भी कर लिया हम लोग, एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी रहेगा, क्योंकि अब बहुत सारे एरिया खाली है, ब्लाइंड सेल है, उसको इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और तीसरा डेड बॉडी मिलिटेंट का भी नहीं मिला है, उसको भी हम खोज रहे हैं।